हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो या अपडेट हैं वो आपको आसानी से मिल सके। इसके नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफार्मर के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में आपको बताया गया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको आसानी से समझ में आई होंगी। आज के क्लास में हम ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? तो ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, यानी ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। क्लियरली? तो अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। तो वोल्टेज के आधार पर जब हम लोग ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करते हैं, तब हमारे दो प्रकार के ट्रांसफार्मर हमारे सामने आते हैं। पहला जो ट्रांसफार्मर है वह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, और जो हमारा दूसरा ट्रांसफार्मर है वह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप यानी कि जो वोल्टेज को बढ़ाता है, और स्टेप डाउन जो वोल्टेज को घटाता है। एक लाइन में समझिएगा, जो वोल्टेज को बढ़ाएगा स्टेप अप, जो वोल्टेज को घटाएगा स्टेप डाउन। अब रहा की बात कि वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना, तो वोल्टेज को बढ़ाने और वोल्टेज को घटाने की जो प्रक्रिया है वो हमारे घर में भी चलती है और घर के बाहर में भी चलती है। तो घरों में अक्सर हम स्टेबलाइजर के माध्यम से वोल्टेज को बढ़ाते हुए देखते हैं, और बैटरी चार्जर के माध्यम से हम लोग वोल्टेज को घटाते हुए देखे हैं। अब बात करते हैं घर के बाहर की। किसकी बात कर लेते हैं? घर के बाहर की बात कर लेते हैं। तो घर के बाहर वो कौन सा कारण होगा जिस कारण से हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं और वोल्टेज को घटाते हैं? तो एक बात याद रखिएगा कि हम लोग डीसी सप्लाई को अधिकतम 650 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकते हैं। डीसी सप्लाई को 650 वोल्ट तक उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि हम लोग एसी सप्लाई को 33,000 वोल्ट तक, माने कि अधिकतम 33,000 वोल्टेज तक उत्पन्न कर सकते हैं। अब विद्युत उत्पादक केंद्रों पर, विद्युत उत्पादक केंद्र यानी कि जहां पर विद्युत सप्लाई को उत्पादित किया जाता है, उस जगह पर हम लोग अल्टरनेटर के माध्यम से सप्लाई को प्रोड्यूस करते हैं, सप्लाई को उत्पन्न करते हैं। तो अभी आपको बताए हैं कि हम वोल्टेज को अधिकतम एसी में कहाँ तक उत्पन्न कर सकते हैं, तो 33,000 वोल्टेज तक हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं एसी को। एसी सप्लाई को हम लोग 33,000 वोल्टेज तक उत्पन्न कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग पावर स्थान, जब हम लोग विद्युत उत्पादक केंद्रों पर अल्टरनेटर के माध्यम से सप्लाई को उत्पन्न कर देते हैं, तो उत्पन्न करने के बाद उस सप्लाई को वहां से लेकर के ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में ले जाना होता है। सब स्टेशन यानी कि जो हमारा पावर हाउस है, जहां पर सप्लाई प्रोड्यूस की जाती है, जहां पर सप्लाई उत्पन्न की जाती है, उस उत्पादन केंद्र से सप्लाई को लेकर के हमें शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना होता है। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम सप्लाई को ले जाते हैं, तो सप्लाई को ले जाने का एक माध्यम है, वो क्या है? तो तार के माध्यम से। तार के माध्यम से हम सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। और इतना बात आप जानते हैं कि जो वायर का साइज होता है, वह वायर का साइज करंट के ऊपर डिपेंड करता है। वायर का साइज किस पर डिपेंड करता है? तो वायर का जो साइज है वो डिपेंड करता है एम्पियर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? एम्पियर के ऊपर डिपेंड करता है। और विद्युत उत्पादक केंद्रों में जो हमारी सप्लाई होती है, वो कई मेगावाट में सप्लाई हम लोग उत्पादित करते हैं। अब जब कई मेगावाट में जब हम सप्लाई उत्पादित करेंगे, तो उस समय जो हमारा वोल्टेज होगा, वो अधिकतम वोल्टेज मेरा 33,000 वोल्ट तक होगा, उससे अधिक तो होगा नहीं। तो वहां पर होता क्या है कि वोल्टेज का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, और करेंट का वैल्यू मेरा ज्यादा हो जाता है। तो जब करंट का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो करंट के वैल्यू के अनुसार वहां पर जो तार का साइज होगा, तार का साइज क्या हो जाएगा? तार का जो साइज होगा मेरा, तार का साइज मोटा हो जाएगा। और जब तार का साइज मोटा होगा, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी हमारे पोल हैं या टावर हैं, उनका साइज भी बढ़ जाएगा। और जब पोल और तार का साइज बढ़ जाएगा, तो हमारा जो खपत है, जो हमारा खर्च है सप्लाई को स्थानांतरित करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का, वो खर्च क्या हो जाएगा? खर्च वहां पर मेरा अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। इसलिए विद्युत उत्पादक केंद्रों पर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जो 33,000 वोल्टेज को, जो 33,000 वोल्टेज को 63,000 वोल्टेज या 110,000 वोल्टेज या 132,000 वोल्टेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही मेरा ट्रांसफार्मर वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाता है, वैसे ही करंट का वैल्यू क्या हो जाता है? करंट का वैल्यू मेरा डाउन हो जाता है।
अब यहाँ पर वोल्टेज में और करेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास दूध है, क्लियरली दूध कितना है, दूध हमारे पास 10 लीटर है, कितना हमारे पास दूध है 10 लीटर है, और हमें किसी को 12 लीटर दूध क्या करना है देना है, कितना दूध हमको देना है 12 लीटर हमको दूध देना है। तो हमारे पास दूध जो है वो 10 लीटर है, तो क्या करेंगे उसमें हम 2 लीटर पानी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, वो 12 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 12 लीटर हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे मान लें कि दूध का जो वैल्यू है 10 के बजाय 9 हो गया, तो पानी हमें कितना मिलाना पड़ेगा 3 लीटर मिलाना पड़ेगा। यदि मेरा दूध का वैल्यू 8 लीटर हो जाएगा तो पानी हमको 4 लीटर मिलाना पड़ेगा। यदि दूध का वैल्यू मेरा 7 लीटर हो जाएगा तो पानी हमको कितना मिलाना पड़ेगा 5 लीटर मिलाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमको दूध कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमको दूध देना है 12 लीटर, कितना देना है दूध हमको 12 लीटर हमको दूध देना है। सेम उसी प्रकार हम यहाँ पर एक वर्ड को ले लेते हैं कि यदि हमारे पास 1000, कितने हजार दी 1000 भी, 1000 VA, यानी कि हमारे पास 1000 वोल्टेज और करंट है, हमारे पास 1000 वोल्टेज और करंट है। अब इस 1000 वोल्टेज या करंट में यदि वोल्टेज का वैल्यू मेरा 200 होगा तो करंट का वैल्यू कितना होगा, करंट का वैल्यू मेरा 5 एम्पियर होगा, क्योंकि VA कहें या W कहें या P कहें तो P बराबर क्या होता है V गुणे I होता है, P बराबर क्या होता है V गुणे I, यानी कि वोल्टेज गुणे एम्पियर। तो यदि मेरे पास 1000 VA में 200 मेरा वोल्टेज है तो करंट का वैल्यू कितना होगा 500 होगा। यदि हम वोल्टेज का वैल्यू 250 कर दें तो करंट का वैल्यू कितना होगा 4 एम्पियर होगा। यदि हम वोल्टेज का वैल्यू 500 वोल्टेज कर दें तो एम्पियर का वैल्यू कितना होगा 2 एम्पियर होगा। तो सेम उसी अनुसार जब हम कई हजार मेगावाट में सप्लाई को प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वोल्टेज का वैल्यू अधिकतम मेरा 33000 होता है। तो हम ट्रांसफार्मर के माध्यम से 33000 वोल्टेज को 63000 में या 110000 या 132000 में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही हम वोल्टेज के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो करंट का वैल्यू क्या होता है वहां पर, करंट का वैल्यू मेरा कम हो जाता है, और जैसे ही करंट का वैल्यू कम होता है वहां पर वायर का साइज कम हो जाएगा, और जब वायर का साइज कम होगा तो पोल और टावर की जो साइज है वो भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार जो मेरा लागत है वो क्या हो जाएगा, विद्युत सप्लाई को स्थानांतरित करने में या वितरण करने में जो मेरा लागत है, लागत क्या हो जाएगा, लागत मेरा कम हो जाएगा। यानी कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हम लोग विद्युत उत्पादक केंद्रों पर लगाते हैं, किस लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, क्लियर। अब वोल्टेज तो मेरा बढ़ गया, अब वोल्टेज को बढ़ा करके हम पावर उत्पादक केंद्रों से, सप्लाई उत्पादक केंद्रों से हम इस वोल्टेज को लेके आते हैं ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में। तो जब ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में लाते हैं तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में लगा होता है सब स्टेशन। तो जब हम लोग सप्लाई को विद्युत उत्पादक केंद्रों से लेके आते हैं सब स्टेशन में, तो सब स्टेशन में लगा होता है मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है वो क्या करता है कि 110000 या 63000 वोल्टेज को क्या करता है, 11000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, 11000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, 11000 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाएगा वो स्टेप अप, और जब वोल्टेज घटाएगा वो स्टेप डाउन, क्लियर। अब बात समझ में आ गई कि स्टेप अप स्टेप डाउन क्यों करते हैं। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का मुख्य कारण क्या है कि विद्युत सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो स्थानांतरित करने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में जो हमारा खर्चा है वो लागत को हम कम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। यानी कि सप्लाई का जब हम वितरण करते हैं तो सप्लाई के वितरण के क्रम में हम लोग ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, क्लियर। किसका उपयोग करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। क्यों ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, ताकि जो मेरा डिस्ट्रीब्यूट करने में जो मेरा खर्चा है वो लागत क्या हो, लागत मेरा कम हो। अब आप समझ में आ गई किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, स्टेप अप जो वोल्टेज को बढ़ाएगा, दूसरा स्टेप डाउन जो वोल्टेज को घटाएगा। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज यानी कि फेज के आधार पर। तो फेज के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसफार्मर मेरा सिंगल फेज होगा और जो दूसरा ट्रांसफार्मर होगा वह मेरा पोली फेज या बहु फेज, या उसे हम 3 फेज के नाम से जाने, क्लियरली। तो ऑन द
बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फेज, तो फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और पोली फेज। तो वह ट्रांसफार्मर जिसमें हम सिंगल फेज की सप्लाई देंगे और सिंगल फेज की सप्लाई आउटपुट के माध्यम से लेंगे, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम क्या कहेंगे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहेंगे, जिस ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज की सप्लाई देंगे और सिंगल फेज की सप्लाई लेंगे, या वह ट्रांसफार्मर जो सिंगल फेज सप्लाई पर कार्य करता है उसे हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब अगली बात थ्री फेज या पोली फेज, तो वह ट्रांसफार्मर जो थ्री फेज सप्लाई पर या पोली फेज सप्लाई पर कार्य करता है उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग थ्री फेज या पोली फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन यानी कि लोकेशन के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो लोकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इनडोर ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। तो जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग घर के अंदर करते हैं उसे हम लोग इनडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग घर के बाहर करते हैं उसे हम आउटडोर ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, इनडोर यानी कि घर के अंदर, आउटडोर यानी घर के बाहर। क्लियरली, तो जिस ट्रांसफार्मर का उपयोग घर के अंदर करेंगे उसे इनडोर ट्रांसफार्मर कहेंगे, जिसका उपयोग घर के बाहर करेंगे उसे हम आउटडोर ट्रांसफार्मर कहेंगे। अब हम चलते हैं ऑन कमर्शियल बेसिस यानी कि व्यापारिक आधार पर, तो व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो जो मेरा पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर विद्युत उत्पादक केंद्रों पर स्थापित किया जाता है, पावर ट्रांसफार्मर विद्युत उत्पादक केंद्रों पर स्थापित किया जाता है, जबकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, मोहल्ले में क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। बात समझ में आ गई। ऑन कमर्शियल बेसिस, तो कमर्शियल बेसिस के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो विद्युत उत्पादक केंद्रों पर करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग विद्युत वितरण कार्य में करते हैं। अब हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट यानी कि आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, तो आउटपुट के आधार पर यानी कि आउटपुट क्षमता के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। अब हम जानते हैं कि मेरा ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, तो वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी का और सेकेंडरी का, ऑटो ट्रांसफार्मर यानी कि जिसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी का भी कार्य करती है और सेकेंडरी का भी कार्य करती है, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोग कहते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऑटो ट्रांसफार्मर कहेंगे। वह ट्रांसफार्मर जिसकी एक ही वाइंडिंग प्राइमरी का भी कार्य करती है और सेकेंडरी का भी कार्य करती है उसे हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब यहां पर देख लीजिएगा, हमारा एक ही वाइंडिंग हो गया, अब इसी वाइंडिंग में से हम यहां पर लूप निकालते चले गए, इसे यहां पर हम लूप निकालते चले गए, तो इसका इधर का जो पार्ट है वो प्राइमरी वाइंडिंग का काम करेगा और जो इधर का इसका जो कॉइल का जो टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग का कार्य करेगा। तो सब कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग, सब कहेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में मेरा एक ही कॉइल है जो प्राइमरी का भी काम करेगा, जो सेकेंडरी का भी काम करेगा, तो वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी का भी कार्य करती है और सेकेंडरी का भी कार्य करती है, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप होता है और एक स्टेप डाउन होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। क्लियरली, ऑटो ट्रांसफार्मर में जो स्टेप अप होगा वो वोल्टेज को बढ़ाएगा और जो स्टेप डाउन होगा वो वोल्टेज को घटाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देख लेते हैं इस आकृति में कि स्टेप डाउन और स्टेप अप जो है ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस होगा, तो हम बात कर लेते हैं यहां पर किसकी, हम यहां पर बात कर लेते हैं स्टेप अप, स्टेप अप। अब स्टेप अप में क्या होगा कि स्टेप अप का मतलब कि वोल्टेज को क्या करना है, वोल्टेज को बढ़ाना है। क्या करना है जी, वोल्टेज को बढ़ाना है। तो वोल्टेज को बढ़ाना होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मेरी प्राइमरी वाइंडिंग होगी तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न की संख्या होगी वह कम होगी
और जबकि मेरी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी इसके टर्नओवर की संख्या क्या होगी मेरी ज्यादा होगी। प्राइमरी वाइंडिंग टर्नओवर संख्या क्या होगी कम होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नओवर संख्या क्या होगी मेरी ज्यादा होगी। तो जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को कम रखेंगे और सेकेंडरी वाइंडिंग को जब हम अधिक रखेंगे तो मेरा जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो अधिक वोल्टेज क्या करेगा अधिक वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं तो वह ट्रांसफार्मर जिसमें एक ही वाइंडिंग प्राइमरी का भी कार्य करती है और सेकेंडरी का भी काम करती है तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। और हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन क्लियर। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम लोग घरेलू कार्यों में जैसे कि इन्वर्टर स्टेबलाइजर बैटरी चार्जर इत्यादि में जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं ये सभी के सभी ट्रांसफार्मर कौन से होते हैं हमारे वो सभी के सभी ट्रांसफार्मर हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया अब दूसरा क्या है मेरा तो दूसरा मेरा हो गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। कौन सा हो गया जी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्लियर जी। कौन सा है जी मेरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है तो जो मेरा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं तो वह ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग हम लोग वोल्टेज और करेंट वह ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग हम लोग उच्च वोल्टेज और उच्च करेंट को मापने के लिए करते हैं उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं तो वह ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग हम लोग उच्च प्रकार के वोल्टेज या उच्च प्रकार के करेंट को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं मापने वाले यंत्र में प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। फिर से क्या बार याद रखिएगा वह ट्रांसफार्मर जिसका उपयोग उच्च वोल्टेज या उच्च करेंट को मापने के लिए करते हैं उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं पीटी और सीटी। पीटी का मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और सीटी का मतलब करेंट ट्रांसफार्मर। तो जो करेंट ट्रांसफार्मर है वो करेंट को मापता है और जो मेरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को मापता है। आइए अब हम जान लेते हैं कोर के आधार पर यानी कि जो हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कोर उपयोग किए जाते हैं उन कोर के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा कोर है क्या जी जो हमारा कोर है क्या चीज कोर। तो हम लोग कोर का उपयोग ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों करते हैं हम लोग कोर का उपयोग ट्रांसफार्मर के अंदर क्यों करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कोर का उपयोग इसलिए करते हैं कि जो हमारे ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो उस मैग्नेटिक फ्लक्स को एक निश्चित मार्ग मिल जाए और मार्ग के साथ साथ जो चुंबकीय फ्लक्स हैं वो संघन हो जाए यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कोर का प्रयोग हम लोग चुंबकीय फ्लक्स को एक मार्ग देने के लिए और मार्ग के साथ साथ उसके चुंबकीय फ्लक्स को संघन करने के लिए हम लोग कोर का उपयोग करते हैं। यह जो कोर होता है यह कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को स्टैपिंग करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर उपयोग किए जाते हैं वो कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को स्टैपिंग करके क्यों बनाए जाते हैं। हम पत्तियों के स्थान पर हम एक लोहा का चाहें या सिलिकॉन स्टील के बड़ी से बॉडी का यूज कर सकते हैं मगर हम वहाँ पे लोहे की या सिलिकॉन स्टील की बॉडी का उपयोग ना करके वहाँ पर हम पतली पतली पत्तियों का उपयोग करते हैं। तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग पतली पतली पत्तियों का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे ट्रांसफार्मर के कोर में एडी करेंट और हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो कम हो। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एडी करेंट क्या है और हिस्टेरेसिस लॉस क्या है। तो अब यहाँ पर आप जान गए कि हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर कोर का उपयोग क्यों करते हैं तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कोर का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो उन्हें एक निश्चित मार्ग मिल सके और साथ में चुंबकीय फ्लक्स क्या हो सके संघन हो सके। अब चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोर कंस्ट्रक्शन यानी कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो कोर कंस्ट्रक्शन के आधार पर ट्रांसफार्मर हमारे तीन प्रकार के होते हैं कोर टाइप सेल टाइप और बैरी टाइप। अब हम जानते हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है तो यहाँ पर यहाँ से जो ये तीन जो हमारे ट्रांसफार्मर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर जो है कि हमें विशेष ध्यान देना होगा। तो जो हमारे कोर टाइप ट्रांसफार्मर है तो उस कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम जो कोर यूज करते हैं हम लोग जो पत्ती यूज करते हैं वह पत्ती हमारी एल आकृति की होती है। किस आकृति की होती है एल आकृति की होती है यानी कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग एल आकृति की क्या करते हैं एल आकृति की हम लोग
पत्ती का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? एल आकार की पत्ती का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम लोग एल आकृति की पत्ती को, किसको जी, एल आकृति की पत्ती को जो सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, उन सभी पत्तियों का हम लोग स्टेपिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टेपिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं जी हम लोग? तो सिलिकॉन स्टील की पत्ती को हम लोग स्टेपिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्टेपिंग कर देते हैं। और स्टेपिंग करने के बाद इन दोनों सिरों पर, इन दोनों पॉइंटों पर हम लोग प्राइमरी तथा सेकेंडरी, इन दोनों सिरों पर हम लोग प्राइमरी तथा सेकेंडरी तारों से क्या कर देते हैं? वाइंडिंग कर देते हैं। यानी कि जो मेरे दोनों साइड जो यहाँ पर जो दोनों सिरे दिख रहे हैं, दोनों सिरों पर हम लोग प्राइमरी एवं सेकेंडरी दोनों क्या करते हैं? दोनों वाइंडिंग हम कर देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पर आ गए। तो जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, इस कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं कि एल आकृति की पत्ती को स्टेपिंग कर देते हैं, और स्टेपिंग करने के बाद इन दोनों भुजाओं पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम प्राइमरी वाइंडिंग कर देते हैं और उसके बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स घूम चक बने के चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाहित होने का या चलने का मार्ग कितना होगा? कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग कितना होगा? तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग एक होता है। मार्ग कितना होता है जी? चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग एक होता है। इसे बात याद रखिएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग एल आकृति की पत्ती को लेते हैं और एल आकृति की पत्ती को हम लोग स्टेपिंग कर देते हैं और उनकी दोनों भुजाओं पर पहले प्राइमरी वाइंडिंग और उसके बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसके चुंबकीय फ्लक्स का रास्ता जो होता है, जो मार्ग होता है, मार्ग कितना होता है? वह मार्ग मेरा एक होता है। क्लियर? अब चलते हैं हम किसके बारे में, अब हम चलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो पत्ती उपयोग करते हैं, वह पत्ती हमारी ई और आई आकार की होती है। किस आकार की होती है जी? ई और आई आकार की होती है। तो हम लोग सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ई और आई प्रकार की पत्ती का उपयोग करते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ई और आई आकार की पत्ती को हम लोग क्या करते हैं? तो आपस में स्टेपिंग कर देते हैं, और स्टेपिंग करने के बाद हम क्या करते हैं? स्टेपिंग करने के बाद हम ई आकार की जो हमारी पत्ती होती है, जो हमारी ई और आई आकार की जो पत्ती होती है, इस पत्ती पर क्या करते हैं? हमारे सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ई और आई आकार की पत्ती का हम लोग उपयोग करते हैं। हम लोग ई और आई आकार की पत्ती को क्या करते हैं? आपस में स्टेपिंग कर देते हैं। जब हम ई और आई आकार की पत्ती को आपस में स्टेपिंग करते हैं, तो इसके बीच में एक भुजा का निर्माण हो जाता है, जिसे आप देखेंगे आकृति में। जब हम ई और आई प्रकार की पत्ती को स्टेपिंग करते हैं, तो ई और आई आकार की पत्ती के मध्य एक भुजा स्थापित हो जाती है, और उस भुजा के मध्य हम लोग क्या करते हैं? उस भुजा के ऊपर हम लोग पहले प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं और उसके ऊपर हम सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। फिर से एक बार जानिएगा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में ई और आई प्रकार की पत्ती का उपयोग करते हैं। जब हम ई और आई प्रकार की पत्ती को स्टेपिंग करते हैं, तो स्टेपिंग करने के फलस्वरूप उस पत्ती के मध्य भुजा का निर्माण हो जाता है, और उस मध्य भुजा के ऊपर हम लोग पहले प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। सेल टाइप ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, उन चुंबकीय फ्लक्स का जो मार्ग होता है, मार्ग कितना होता है? दो होता है। याद रखिएगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग एक होगा, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स का मार्ग कितना होगा? दो होगा। कितना होगा जी? दो होगा। अब चलते हैं हम किसके बारे में, अब हम चलते हैं बैरी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में। किसके बारे में चलते हैं? तो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में चलते हैं। तो जो मेरा बैरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है, यह एक विशेष प्रकार की पत्तियों से बनाया जाता है। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर एक विशेष प्रकार की पत्तियों से बनाया जाता है, एक विशेष प्रकार की पत्तियों से बनाया जाता है। ये जो पत्तियां होती हैं आयताकार होती हैं, और इन पत्तियों का हम लोग इस प्रकार स्टेपिंग करते हैं कि सभी पत्तियों का एक हिस्सा मुख्य जो कोर है उस कोर पर क्या हो? स्थापित हो। क्लियर? तो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में हम लोग आयताकार पत्ती का उपयोग करते हैं, और जब हम इसको स्टेपिंग करते हैं, तो स्टेपिंग करते समय सभी पत्तियों का जो सिरा होगा वह मुख्य पत्ती के साथ क्या होगा? अटैच होगा, और बीच वाले सिरे पर हम लोग क्या करते हैं? पहले प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं और उसके बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग करते हैं। बैरी टाइप ट्रांसफार्मर एक विशेष प्रकार का ट्रांसफार्मर है, जिसका हम लोग उपयोग विशेष कार्यों के लिए करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के कितने मार्ग होते हैं? तो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स के कई सारे मार्ग होते हैं। क्लियरली?
बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्लस के कई सारे मार्ग होते हैं, और जो बैरी टाइप ट्रांसफार्मर होता है यह बहुत ही कॉस्टली होता है, और यह ट्रांसफार्मर स्वयं यानी कि बहुत ही आसानी से क्या होता है, बहुत ही आसानी से यह शीतल भी हो जाता है, और इसकी जो आउटपुट जो क्षमता होती है वह आउटपुट क्षमता बहुत अच्छी होती है। हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है, इस ट्रांसफार्मर में कई सारी क्षतियाँ होती हैं, और इन क्षतियों के वजह से हमारे ट्रांसफार्मर का जो बॉडी है, जो वाइंडिंग है, वो गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, और गर्म होने के वजह से उस वाइंडिंग के ऊपर का जो अचालक आवरण होता है, वह अचालक आवरण नष्ट हो जाता है, और नष्ट होने के कारण से हमारा जो ट्रांसफार्मर है वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है? ट्रांसफार्मर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उन क्षतियों के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो गर्मी उत्पन्न होती है, उस गर्मी को कम करने के लिए, उस ऊष्मा को कम करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर शीतलन प्रणाली का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? शीतलन प्रणाली का हम लोग उपयोग करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि शीतलन प्रणाली के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। अभी हम जान गए कि शीतलन प्रणाली का उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में क्यों करते हैं। तो शीतलन प्रणाली का उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर की बॉडी को, वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए करते हैं। अब शीतलन प्रणाली के आधार पर जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो पहला जो दिया गया है नेचुरल कोल ट्रांसफार्मर, दो नंबर में दिया गया है ऑयल कोल ट्रांसफार्मर, और ऑयल कोल ट्रांसफार्मर हमारे दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल ऑयल कोल और ऑयल ब्लास्ट। उसके बाद तीन नंबर में वाटर कोल ट्रांसफार्मर, और चार नंबर में फोर्स्ड एयर कोल ट्रांसफार्मर। तब हम बात कर लेते हैं नेचुरल कोल ट्रांसफार्मर। तो वह ट्रांसफार्मर जिसकी बॉडी हवाओं के माध्यम से ठंडी हो जाती है, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल कोल ट्रांसफार्मर कहते हैं। वह ट्रांसफार्मर जो स्वयं ही ठंडा हो जाता है हवाओं के माध्यम से, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल कोल ट्रांसफार्मर कहेंगे। यह ट्रांसफार्मर 5 KVA तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं जी? 5 KVA तक, सॉरी कहाँ तक होते हैं? तो 15 KVA तक के होते हैं। 15 KVA तक के जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर हैं, ये सभी के सभी ट्रांसफार्मर हमारे नेचुरल कोल ट्रांसफार्मर होते हैं। आगे चलते हैं ऑयल कोल ट्रांसफार्मर। तो ऑयल कोल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर के टैंक में हम लोग प्राकृतिक ऑयल क्या करते हैं? प्राकृतिक ऑयल डाल देते हैं। क्या करते हैं? प्राकृतिक ऑयल डाल देते हैं। बात समझ में आ गई? ऑयल कोल ट्रांसफार्मर। तो ऑयल कोल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसकी वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के अंदर हम लोग प्राकृतिक ऑयल डाल देते हैं। अब यह जो है दो प्रकार का हो गया, नेचुरल ऑयल कोल। तो नेचुरल ऑयल कोल में क्या होता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक होता है, उस मुख्य टैंक के साथ पाइप जुड़े होते हैं, जिन पाइप को हम लोग कहते हैं कूलिंग पाइप। क्या कहते हैं? कूलिंग पाइप। और ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के अंदर क्या होता है? प्राकृतिक ऑयल होता है। तो जब ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद गर्म जो तेल है वो पाइप में चला जाता है, और जो पाइप में का तेल है वो हवाओं के वजह से ठंडी हो जाती है, और वो ठंडी तेल कहाँ चली जाएंगी? मुख्य टैंक के अंदर चली जाती है, और मुख्य टैंक का तेल कहाँ चला आता है? हमारे पाइप में चला आता है। क्लियर? तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग नेचुरल कोल ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेचुरल कोल ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो वह ट्रांसफार्मर जिसके मुख्य टैंक के साथ कूलिंग पाइप जुड़ा होता है, और कूलिंग पाइप प्राकृतिक हवाओं के माध्यम से तेल को ठंडा करती है, तो उस प्रकार के ट्रांसफार्मर को हम लोग नेचुरल कोल ट्रांसफार्मर कहते हैं। आगे चलते हैं ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। तो ऑयल ब्लास्ट कूलिंग में क्या होता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के साथ एक रेडिएटर लगा होता है। क्या लगा होता है? रेडिएटर लगा होता है। तो जो गर्म तेलें होती हैं वो मुख्य टैंक से होकर के रेडिएटर में चली जाती हैं, और रेडिएटर क्या करता है कि उस तेल को ठंडा कर देता है, और ठंडा तेल कहाँ चलाता है? मुख्य टैंक में चला जाता है। तो इस प्रकार की शीतलन प्रणाली हम लोग 500 KVA से जो अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं, उन ट्रांसफार्मरों में हम लोग इस प्रकार की प्रणाली का व्यवस्था करते हैं। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग प्रणाली 500 KVA से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों में करते हैं। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग प्रणाली में क्या होता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के साथ एक रेडिएटर जुड़ा होता है, और ट्रांसफार्मर का गर्म तेल रेडिएटर में जाता है, और रेडिएटर के माध्यम से ठंडा तेल कहाँ जाता है? हमारे मुख्य टैंक के अंदर चला आता है। अब आते हैं हम लोग वाटर कोल ट्रांसफार्मर में।
तो वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के मुख्य टैंक के साथ एक पाइप हम ले आते हैं। क्या ले आते हैं? पाइप ले आते हैं। वाटर कूल्ड ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक हो गया, उस मुख्य टैंक के ऊपर से हम लोग पाइप को ले आते हैं और उस पाइप के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि ठंडे पानी को क्या करते हैं, ठंडे पानी को हम लोग प्रवाहित कराते हैं। जब पाइप के माध्यम से ठंडा पानी प्रवाहित होता है तो वह टैंक के साथ अटैच है, जिसके कारण से ट्रांसफार्मर के अंदर की जो तेल है उसे लोग क्या करता है, ठंडा कर देता है। तो उस प्रकार के प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर कूल प्रणाली कहते हैं। और यह प्रणाली भी 500 KV से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में की जाती है। अगला मेरा है फोर्स एयर कूल ट्रांसफार्मर। तो फोर्स एयर कूल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर से हम लोग पतली पतली कई सारी पाइपों को गुजारते हैं और उन पाइपों के माध्यम से हम लोग ठंडी हवाओं को क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं। ठंडी हवाओं को हम लोग गुजारते हैं तो हमारी जो ठंडी हवाएं हैं वो ट्रांसफार्मर के अंदर के तेल को ठंडा कर देती हैं। तो इस प्रकार की प्रणाली का उपयोग हम लोग फोर्स एयर कूल ट्रांसफार्मर में करते हैं। और यह ट्रांसफार्मर भी 500 KV से अधिक क्षमता वाले ट्रांसफार्मर में इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। और यह प्रणाली उस स्थान पर करते हैं जहाँ पर पानी की क्या हो, पानी की कमी हो, यानी कि वैसे जैसे कि रेगिस्तान एरिया में जहाँ पर हम लोग सप्लाई प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा वह फोर्स्ड एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ट्रांसफार्मर इक्वेशन के बारे में बताएंगे और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के कनेक्शन के आधार पर हमारे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे।